नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का देते हैं, एसएससी का देते हैं, या आईपीएस का देते हैं, किसी भी या यूपी पुलिस का आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी डिटेल जान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है और क्यों होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि क्या है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में होती है, और इसमें कभी आसान तो कभी कठिन पेपर होता है। तो यहाँ पे कभी आसान तो कभी कठिन पेपर होता है, ऐसे में किसी भी उम्मीदवार के साथ पक्षपात ना हो, इसके लिए रिजल्ट की गणना में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाई जाती है नॉर्मलाइजेशन की, तो किसी के साथ पक्षपात ना हो इसलिए अपनाई जाती है, और पेपर के कठिन व सरल होने का स्तर तय करके उसके अनुसार कठिन पेपर वाले उम्मीदवार के अंकों में बढ़ोतरी कर दी जाती है, और वहीं सरल पेपर वाले उम्मीदवार के अंक घटा दिए जाते हैं। तो ये तो रहा आपका प्रोसेस इसका नॉर्मलाइजेशन का, ये रहा आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, इस तरीके से होता है। तो कैसे समझें कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को, तो मान लीजिए जैसे कि पेपर सिर्फ दो शिफ्ट में हुआ है, जहाँ शिफ्ट पहली के परीक्षा 60, 50, 45, 65 और 55 अंक प्राप्त करते हैं, और दूसरी शिफ्ट के परीक्षार्थी 100, 80, 70, 90 और 85 अंक प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पेपर की कठिनाई के स्तर के आधार पर दोनों शिफ्टों में परीक्षा के अंकों में अंतर साफ देखा जा सकता है। पहली शिफ्ट के औसत अंक 55 और दूसरी शिफ्ट के औसत अंक 85 हैं। तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, पहली शिफ्ट के 55 और दूसरी शिफ्ट के 85 यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के औसत का अंतर 30 है, 30 अंक दिए गए हैं। अब स्कोर नॉर्मलाइजेशन पर जाता है, जिसमें नॉर्मलाइज करने के लिए पहली शिफ्ट के परीक्षार्थी के अंकों में 30 अंक जोड़ दिए जाएंगे, तो पहली शिफ्ट का फाइनल स्कोर 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और उसी प्रकार से 50 प्लस 30 80, 45 प्लस 30 75, 65 प्लस 30 95, 55 प्लस 30, तो इस तरीके से 85 होगा। और वहीं दूसरी शिफ्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे घटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, फिर से नई जानकारी के साथ। नमस्कार।